एक साथ आप दो चीजें सीखें। नमस्कार, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं रामायण धुन। जी हाँ, तो क्या हम आज आपको बताने वाले हैं और क्या है आज के ट्यूटोरियल वीडियो में ये स्पेशल, ये सबसे पहले जान लेते हैं। आप लोग कई सारे बॉलीवुड गानों के तर्ज पर, भजन के तर्ज पर रामायण ज़रूर प्ले करते होंगे, गाते होंगे, बजाते होंगे। तो आज हम आपके लिए रामायण का एक नया आइडिया लेके आए हैं। जी हाँ, सबसे फेमस धुन, कुछ ऐसी फेमस धुन जो हर जगह बजती हो, हमेशा बजती हो और हर कोई जानता हो। जी हाँ, वही धुन जो हर कोई आसानी से प्ले कर लेता हो, उसी धुन को आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको एक ही वीडियो में, एक ही बार में रामायण चौपाई के साथ साथ ये धुन भी याद हो जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है ये धुन। तो कैसा समझ में आया आपको? ये है नागिन धुन। आज हम आपको नागिन धुन पर रामायण की चौपाई किस तरह गाई जाए, बजाई जाए, ये हम आपको बताएंगे। एक साथ आप दो चीज़ें सीखेंगे। पहला तो ये सबसे फेमस नागिन धुन बजाना, और दूसरा इसी धुन पर आप रामायण भी बजा कर गा सकते हैं। सोचिए कितना अच्छा लगेगा। तो अभी जो मैंने छोटा सा टुकड़ा प्ले किया वो तो एक स्थाई की तरह ही समझ लीजिए। इसके आगे और भी एक टुकड़ा है, दो टुकड़ा है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको हम किस प्रकार रामायण की चौपाई पर बिठाएंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार इस धुन को हम रामायण की चौपाई पर बिठाएंगे। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो ये अभी जो मैंने प्ले किया, जो स्थाई मान सकते हैं, सबसे पहले हम इसका नोटेशन देख लेते हैं, ठीक है? इस वीडियो में आपको ये नोटेशन ध्यान से सुनकर नोट करना है। हमेशा मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपने नोटेशन स्क्रीन पे लिख कर क्यों नहीं दिया, और इजी हो जाता, और इजी हो जाता। आप ये सोचिए कि स्क्रीन पर लिखा हुआ नोटेशन देखने के बाद आप कितनी बार प्ले करके प्रैक्टिस करते होंगे, बिल्कुल नहीं या एक बार। लेकिन अगर हम ये नोटेशन आपको नहीं बताते तो आपके भले के लिए आप सुनिए, देखिए, बार बार इस चीज़ को देख देख कर प्ले करिए। अपने आप ये धुन ऐसी याद हो जाएगी कि दोबारा ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रे सा बंदौं गुरु पद ग सा पदुम रे नी परागा निसानी। तो एक बार इस लाइन की पूरी नोटेशन देख लीजिए। रे सा ग सा रे निसानी, यानी बंदौ गुरु पद पदुम परागा। सबसे पहले एक आपका डाउट क्लियर कर देते हैं कि इसे हम बजा रहे हैं सी शार्प से, ठीक है? और इसमें जो स्वर लग रहे हैं अभी इस वक्त वो क्या है? शुद्ध रे, कोमल गा, कोमल नी सा, ठीक है? कि ये जो धुन है ये नागिन धुन है, तो आपको इसकी नोटेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। इसलिए इस नोटेशन को थोड़ा फास्ट बार बार देख कर सुन लीजिए। देखिए कैसे। रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा, इतना हमें पहले पार्ट में प्ले करना है। आप देखते हैं कि सेकंड पार्ट इसका क्या है और सेकंड पार्ट में क्या प्ले करना है। हमें अमूरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। तो इस पार्ट में हम लोगों ने कौन कौन से नोट्स लगाए? सा तो लगा ही लगा है, रे लगा है, कोमल गा लगा है, इस बार हम गए हैं कोमल धा तक, ठीक है? ये पा है शुद्ध और ये मा। अब हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट की नोटेशन क्या है। अमीय, दो शब्द यहाँ, एक शब्द यहाँ, तो क्या करेंगे? टू बीट्स यहाँ और वन बीट यहाँ। तो ध्यान से देखिएगा। सागा अमीय मूरी मय चूरन चारु
क्या बोलने का मतलब है कि यहाँ दो बीट लग रही हैं। तो वर्ड्स पे इसलिए ध्यान दीजिए क्योंकि जहाँ दो वर्ड हैं वहाँ दो बीट है, जहाँ एक वर्ड है वहाँ एक ही बीट है। मेट्रोनोम या तबले पर जब भी बजेगा तो आपको गिन गिन कर नहीं गाना पड़ेगा। तो देखते हैं, सा गा पा धा पा धा, ऐसे बोल रहे हैं ना, इसका मतलब धा धा है, ठीक है। सा गा पा धा पा धा पा धा पा, अब कितनी बार पा धा पा धा आया बताइए। पा धा एक बार हुआ, पा धा दो बार हुआ, पा धा तीन बार, और आखिरी में पा। सेम यही तरीके से ए गा मा पा मा पा मा, रे गा मा पा मा पा मा, यहाँ दो बार पामा बोला गया है, ठीक है। रे गा मा मा, ठीक है। अब इस पर शब्द बिठा के देख लेते हैं। समन सकल भव रुज परि वा, अब वापस कैसे आएंगे, वारु यानी मागरे सा। तो एक बार फिर से मैं आपको पूरी की पूरी धुन की नोटेशन बताती हूँ, क्यों, क्योंकि इस पर मैंने अभी आपको शब्द बिठाकर और बीट्स गिनकर तो समझा ही दिया है, लेकिन अगर आपको सिर्फ नागिन ट्यून प्ले करनी हो तो आप शब्द याद करोगे, बीट्स याद करोगे नहीं, नोटेशन याद करोगे। तो ध्यान देते हैं, किसी भी चीज़ के शब्द और भाव उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जितना ज़्यादा नोटेशन। तो अब एक बार इसका स्थाई अंतरा यानी फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट दोनों पार्ट्स के नोटेशन देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा, कोमल गा लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस पैटर्न में हमने कोमल गा कोमल धा कोमल नी का यूज किया है। अच्छा जरा ये बताइए कि अगर कोमल गा कोमल धा कोमल नी ये तीन स्वर अगर हम यूज कर रहे हैं सी शार्प से, तो ये कौन सा राग हुआ? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारी राग वाली वीडियोस जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर गाने और हर धुन का आधार राग ही होता है। आपको हमारे चैनल पर ना सिर्फ रागों की जानकारी मिलेगी, अलग अलग तरीके के धुनों की जानकारी मिलेगी, फेमस फेमस गानों के नोटेशन मिलेंगे। हमारे चैनल पर यही कोशिश की जाती है कि जो लोग भी ये वीडियो देखें समझें उन्हें अच्छे से म्यूज़िक समझ में आए, ना कि सिर्फ एक गाना या एक वीडियो समझ में आए जिस पर ऊपर नोटेशन लिखे हों और जब आप भूल जाए तो दोबारा हमारा वीडियो देखकर नोटेशन नोट करें। हम इस तरीके से सिखाते हैं कि आप इसको सुने समझें खुद से नोट करें। कुछ काम खुद करने से ये होता है कि हम उसे जल्दी भूलते नहीं। खुद नोटेशन लिखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो आइए इसका नोटेशन देखते हैं। रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा, सा ग पा धा पा धा पा, रे ग पा मा ग रे सा। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छे से समझ में आया हो। अगर ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।